नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। बिहार में आज 31 मंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेडीयू की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के कोट से 16 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें से 3 मुस्लिम और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिलाकर 7 यादव मंत्री हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में तेजस्वी यादव ने अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव पर ज्यादा ध्यान दिया है। बिहार में मुस्लिम और यादव वोट लगभग 31% है, जो किसी भी पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक की बदौलत ही लालू यादव और उनका परिवार बिहार में कई दशकों तक सत्ता में बना रहा। दूध फिर से महंगा हो गया है। अमूल और मदर डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई कीमतें बुधवार से लागू हो जाएंगी। दूध कंपनी अमूल ने बताया है कि बढ़ी हुई कीमतें दिल्ली NCR, पश्चिम बंगाल, मुंबई सहित सभी जगहों पर लागू होंगी। वही मदर डेयरी का दूध भी 2 रुपए महंगा हो जाएगा। पिछले 5 महीनों में दूध की कीमत 10% बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जबरदस्त बस हादसा हुआ है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की एक बस खाई में गिर गई है। इसमें 39 जवान सवार थे, जिसमें 2 जवानों को की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि हादसे के बाद 5 जवानों ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना में 32 जवानों को चोट आई थी, जिसमें से 10 जवानों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को BSF के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके श्रीनगर की आर्मी अस्पताल ले गया है। बस पहलगाम के पास लिद्दर दरिया नाम की नदी में गिरी। बारिश का मौसम होने के कारण इसी नदी में पानी बहुत ज्यादा था। दुर्घटना का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में फिर से एक कश्मीरी हिंदू को निशाना बनाया गया है। सुनील कुमार भट्ट नाम के एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है, जबकि गोलीबारी में उनके भाई बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। इन दोनों भाइयों पर सेब के बाग में गोली चलाई गई थी। यह दोनों भाई अपने सेब के बाग में जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने इन दोनों से उनका नाम पूछा और हिंदू नाम सुनते ही गोलीबारी शुरू कर दी। कश्मीर में आतंकवादी लगातार कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार घाटी में लगातार हिंदू समुदाय के हित के लिए काम कर रही है, लेकिन आतंकवादी ऐसा नहीं चाहते, जिसकी वजह से वह चुन चुनकर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। हिंदुओं पर हमले का सिलसिला इसी साल मई में शुरू हुआ है। इसके खिलाफ कश्मीरी हिंदुओं और सरकारी कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। कर्नाटक के शिमोग में वीर सावरकर बनाम टीपू सुल्तान विवाद की वजह से सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। शिमोगा के आमिर अहमद सर्किल पर सावरकर की होर्डिंग लगाई गई थी, लेकिन इसे हटाकर टीपू सुल्तान की होर्डिंग लगा दी गई, जिसके बाद 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद शाम को प्रेम सिंह नाम के एक दुकानदार को चाकू से गोद डाला गया। चाकू मारने के आरोप में नदीम तनवीर मोहम्मद जबी अब्दुल रहमान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इस घटना के बाद पूरे शिमोगा में तनाव का माहौल है। वहां धारा 144 लगा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर पुलिस टीम जब मुख्य आरोपी मोहम्मद जबी को गिरफ्तार करने पहुंची, तो वहां भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें 4 विधायक पाटीदार समुदाय के आते हैं। इन विधायकों का आरोप है कि इन चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको फंड नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ रही है। पिछले दिनों गुजरात में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसके अलावा गुजरात कांग्रेस ने के बड़े नेताओं नरेश रावल और राजू परमार ने भी पार्टी छोड़ दी थी।
गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा 100 साल पुराना कानून बदल दिया गया है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 100 साल पुराना जेल मैनुअल बदल दिया गया है। इसके तहत जेलों में काला पानी की सजा खत्म कर दी गई है। महिलाओं को जेल में मंगलसूत्र पहनने की इजाजत होगी। इसके अलावा सजाए याफिया मान के साथ जेल में रहे बच्चे के लिए जेल में क्रेच और मनोरंजन के इंतजाम भी किए जाएंगे। त्योहार के मौके पर मुसलमान कैदियों को खजूर और हिंदू कैदियों को खीर दी जाएगी। इसके अलावा कैदियों के लिए जेल में बेकरी और लॉन्ड्री की भी व्यवस्था की जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मरीजों को देखभाल के लिए मुख्यमंत्री ने 10 वाहनों की फ्लीट को हरी झंडी दिखाई है। खास बात यह है कि ये वाहन बीमार लोगों को उनके घर ले जाकर चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले में इन मोबाइल अस्पतालों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सभी मोबाइल वाहनों में डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल लैब टेक्नीशियन मौजूद रहेंगे। इस वाहनों में सभी आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण भी लगे हुए हैं। इन गाड़ियों में नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ रक्त जांच, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य मानकों की जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इन गाड़ियों के जरिए हिमाचल के दुर्गम इलाकों में लोगों को तुरंत इलाज मिल जाएगी। उदय इंडिया डिजिटल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए हम आपके लिए इसी तरह लेकर आएंगे। जय हिंद।